हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है पवन और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरा चैनल टेक्निकल गेमिंग एंड्रॉयड में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है और ये वीडियो रिलेटेड भी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो कल का मैच जो हुआ है उसके बारे में। पर इधर जो है मैं उस मैच के बारे में नहीं बताऊँगा, पर यहाँ पर मैं रियल क्रिकेट 19 के मैच के बारे में बता रहा हूँ। मतलब मैंने खुद खेला एक 2 ओवर वाला मैच, वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी ये मैच और हार्ड मोड में खेल रहा था। तो आपको पता है कि कितना मतलब प्रॉब्लम होता है ग्रीन मार्क में गेंद को रखना, तो प्रॉब्लम हो जाता है। पर उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया और मैंने कैसे इस मैच को हारते हारते बचा लिया वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यह मैच का मतलब पूरा वीडियो आपको देखना होगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लोज क्लोज मतलब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मतलब क्लोज चीज़ें, मतलब एक मैच बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहा था, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है और पूरा यहाँ पर इंडिया का बॉलिंग आपको देखना है, जिसके भुवनेश्वर कुमार जो कितने अच्छे लाइन लाइन से बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, देख सकते हो कितना अच्छा उन्होंने गेंदबाजी करी है। आपको बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पाकिस्तान के बल्लेबाज भी बिल्कुल अपने सब पे हाथ रख के बैठ गए थे। लेग सिक्स गया, पर बुमराह का ओवर एकदम शानदार रहा, उन्हें अच्छे तरीके से लाइन एंड लेंथ मैनेज करी और बहुत अच्छे तरीके से हमें हार करके बचा दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज होता है जब आप हार के मुँह में रहते हो और उधर से आप उठ के आ जाते हो, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लाइन इंग्लैंड से बॉलिंग कर रहे हैं सॉरी भुवनेश्वर कुमार। और यहाँ पर हमें रेफरल के लिए गए हैं और रेफरल में क्या होता है देखना पड़ेगा। रेफरल दिया है तो भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग का रिव्यू हो रहा है, ये अभी देख सकते हो। अल्ट्राइज में तो कुछ नहीं दिख रहा, अल्ट्राइज में क्लियर कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ होगा नहीं। यहाँ पे बैट पे कोई मार्क नहीं है बल्कि पैड्स पे सीधे गेंद टकरा रही है। इनफैक्ट सॉरी, पिचिंग हुआ इन लाइन, इनफैक्ट भी हुआ है इन लाइन, पर विकेट्स वाला है मिसिंग। ठीक है, इसके वजह से इंडिया जो है अपना रिव्यू लॉस्ट कर चुका है। तो इंडिया वालों की क्या ज़रूरत है यार, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे थे ना बॉलिंग, रिव्यू लिए वेट कर रहे हैं अपना रिव्यू। ठीक है, 2 ओवर का मैच है, दो रिव्यू मिल जाता है तो प्रॉब्लम नहीं। अभी जो है हमने बुमराह को जो है बॉल थमा दी है, स्ट्राइक में है फखर जमान। आपको पता है कितना अटैकिंग बल्लेबाज है फखर जमान। यहाँ पे देखिए गेंदबाजी कर रहे हैं, यहाँ पे बुमराह पहली गेंद में रख दिया ओपनर, तो क्या हो जाएगा देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बुमराह ने बॉल डाल दी डॉट, ये लाइन एंड लाइन पर अच्छा रखना है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट पिच बॉल से थोड़ा सा ऊपर रखना रखना है गेंद को, जो आइडियल लेंथ माना जाता है रियल लाइफ क्रिकेट में भी। जी हाँ, वो आइडियल लेंथ होता है, मतलब गुड लेंथ डिलीवरी कहा जाता है, तो उस लेंथ को आपको रखना है, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी से बोला जाता है। शॉर्ट ऑफ लेंथ मतलब लेंथ से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, यहाँ पे बुमराह जो है अपनी फुल लेंथ बॉल डाल रहे हैं, जिससे उनको ज़्यादा मार पड़ सकती है, क्योंकि फुल लेंथ जो है एकदम लाइसेंस होता है बल्लेबाज के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने बोला बहुत अच्छे तरीके से मार दिया है सिक्सर के लिए, तो इस सिक्स के बाद तो मैच और भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ये मैच तो इंटरेस्टिंग बन ही जाएगा। ट्राई किया स्लोवर डिलीवरी का, क्या होगा देखना पड़ेगा। यहाँ पे करेक्टली मार्क पे लगा गेंद, क्या होने वाला है इस बॉल पे। ठीक है, मार नहीं पाए ठीक से और बढ़िया तरीके से फील्डर ने इसको फील्ड कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हो आप कितना अच्छा एनिमेशन और कितना अच्छा एंगल देखने को मिल रहा है। तो इस जैसे गेम को मतलब रियल 19 जैसे गेम को मैंने कहाँ पे भी नहीं देखा है, बहुत शानदार गेम है यार। यहाँ पे देख सकते हैं 4 बॉल्स ऑलरेडी डाल चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है अब तक। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है एकदम निर्णायक चीज़ है, क्योंकि 7 रन चाहिए
दो बॉल से अगर 7 रन हो गया तो जीत सकते हैं। नहीं हुआ यार, यहाँ पे बढ़िया गेंद बिल्कुल अच्छे टप्पे पे, और यहाँ पे स्लर्जिंग चलता हुआ देख सकते हैं। बॉलर ने बोला कि भाई बल्लेबाज तू मुझे मतलब नहीं मार सकता। अब मैच तो गया यार, 7 रन चाहिए सिर्फ एक ही बॉल से तो पाकिस्तान नहीं मार सकता। और इसके साथ जो है इंडिया ने अपनी हार मतलब हारते हारते बच गई है 1 रन से। बढ़िया तरीके से अपने आप को सर्वाइव करने में कामयाब रही है। देख सकते हैं फकर जमान को फिर भी मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है, वो क्यों दिया जा रहा है पता नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे बल्लेबाजी भी किया है भारतीय बल्लेबाजों ने। ठीक है, धोनी ने एक अच्छा अच्छा मतलब सिक्सर मारा था इस मैच में, वो मैंने नहीं दिखाया है, देखिए इधर आपको देखने को मिल जाएगा।